मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने रीवा प्रवास के दौरान पहुंचे रीवा जिला चिकित्सालय और उन्होंने औषक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सीएमएचओ और सिविल सर्जन के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और जमकर डांट फटकार लगाई। निरीक्षण दौरे में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, तहसीलदार एवं अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह उपस्थित रहे। विशेष रूप से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि व्यवस्था सुधारो वरना कार्यवाही होगी, हम सबको जनहित के कार्य करना होगा, अपनी कार्यप्रणाली दुरुस्त करें। अभी तो जो मरीज भर्ती है उनसे बात की तो उनका कहना है कि ठीक है और व्यवस्था भी ठीक है, दवाइयाँ भी ठीक हो रही हैं, बाकी जो शासन की तरफ से इंतजाम है वो भी ठीक है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसको कहा जा सके कोई नकारात्मक है, मरीज और उनके परिजन भी ठीक ही बात कर रहे हैं। सर, जैसे लगातार ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टरों पर कि डॉक्टर द्वारा ये सफाई नहीं की, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं इसीलिए अचानक आया, तो इनको अब जानकारी तो थी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, पर बात देख लीजिए यदि अचानक आने में ये ठीक ठाक दिखाई पड़ता तो ये मानना चाहिए कि ठीक है। अब पहले से सूचना दे देता कि मैं आ रहा हूँ तब फिर साफ सफाई करते तो ये माना जाता कि जानकारी हो गई, इसलिए बिना जानकारी क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर प्रतिनिधित्व नदारत रहते हैं और 108 वाहन लेके यहीं सीधे चली आती है ना, उसके कारण है। कई बार जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने हैं उस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है वहाँ, या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे तत्काल जांच हो सके। तो जैसे अब किसी को पथरी का पेन हो रहा है तो डॉक्टर वहाँ पेन की दवाई दे सकता है, पर जांच हो करके उसकी पथरी की दवाई हो जाए। छोटी छोटी बीमारियों में भी वो सीधे नहीं, बीमारी में बुखार में आते होते तो 300-400 रिकॉर्ड कैसे होते। पूरे जो हमारे सेंटर हैं, सामुदायिक हैं, वहाँ पर तमाम मरीजों की दवाइयाँ होती हैं। यदि सब भागते होते तो फिर वहाँ तो ताला लगाना पड़ता, पर वहाँ व्यवस्था ठीक है। अभी और प्रयास ये कर रहे हैं अपन, जैसे नई गढ़ी में प्रयास ये किया कि जो हमारा प्रसव केंद्र है वो नए तरीके का बन जाए। हालांकि अपनी तरफ से मैंने कुछ शेड वोड लगवाया है उनके परिजनों के बैठने उठने का, कुछ और व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको सुविधा हो, ये मैंने प्रयास किया। एनआरसी में सर ने एसी भी दिया? हाँ, अभी एनआरसी में हमारे बच्चों को एसी लगा दी है। सामने उनका टीन सेट ख़राब था वो हमने लगा दिया है, उसको सीमेंटेड करके बैठने का, बच्चों को धूप में तेल लगाती हैं महिलाएँ,
तो बाहर वो बना रहे बढ़िया बैठने का सीमेंट का, वहाँ बैठ करके बच्चों को तेल लगा, ये सब व्यवस्था कर। अब किसी दिन मौका लगेगा तो वहाँ भी देखूँगा, है ना। अभी आपको तारीख बता दूंगा तो शायद जो आप चाहते हैं वो ना हो पाए, इसलिए उसको। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।